ओके हाय एवरीवन. सो टुडे वी विल डिस्कस वन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ एस सी वर्मा और देखेंगे किस पे किस तरह के प्रॉब्लम्स और फ्रेम हो सकते हैं इस क्वेश्चन है ना पे इस कंसेप्ट पे. सो नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर इट्स सर्फेस. अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विद. ओके सो आपको दो इफेक्ट उसने नेगलेक्ट करने को कहे हैं या फिर यू नो फिनिश करने को कहे हैं. पहला इफेक्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन ऑफ अर्थ को आप कंसीडर मत करो. और दूसरा है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी कंसीडर मत करो. सो पहले आप एक्चुअल केस को स्टडी करो, देन ओनली यू विल यू नो अंडरस्टैंड इट बेटर कि क्या इफेक्ट के कारण क्या चेंजेस आते हैं. सो आप क्या करो, एक्चुअल केस में किसी ऑब्जेक्ट का या फिर कोई मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, उसका मोशन का स्टडी करो कि एक्चुअल में होता क्या है. और किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर यू नो मैन की अगर आपको मोशन की स्टडी करनी है तो द सिंपलेस्ट वे इज बाय ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो मैं एक ऑब्जेक्ट का या फिर मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ हु इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा राइट, जिसका वैल्यू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर राइट. और एक होगा नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ राइट, एक ऊपर की तरफ. और द मैन और द ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी एट रेस्ट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अर्थ. अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये रेस्ट में रहेगा. इसका मतलब अर्थ खुद रोटेट कर रही है राइट, अर्थ इज इटसेल्फ इज रोटेटिंग विथ सम ओमेगा. सो इसका मतलब ये जो आदमी है ये भी रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा. सो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा विच इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज ओमेगा स्क्वायर आर और यू कैन से वी स्क्वायर बाय आर राइट. नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. व्हाई, बिकॉज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द मैन और द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इसीलिए नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जी एम एम बाय आर स्क्वायर माइनस नॉर्मल दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इनटू दैट इज एक्सेलरेशन, मास से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज द इक्वेशन. अब हम एक एक इफेक्ट को कंसीडर करते हैं. मान लो रोटेशनल इफेक्ट को पहले कंसीडर करते हैं कि अब अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया. सो अगर रोटेट करना बंद कर दिया इसका मतलब ओमेगा जीरो हो गया. ओमेगा जीरो हो गया मतलब लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड आपका जीरो हो गया. इसका मतलब नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर. सो इसका मतलब जो नॉर्मल है, देखो नॉर्मल पहले क्या था, नॉर्मल का वैल्यू पहले था कैपिटल जी कैपिटल एम एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. अब अगर ओमेगा फिनिश हो गया तो ये टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब नॉर्मल ज्यादा हो गया. और नॉर्मल क्या बताता है, नॉर्मल गिव्स यू यूअर वेट. सो इसका मतलब अगर आप रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपका जो वेट है वो अर्थ पे इंक्रीज हो जाएगा. वैसे अगर आपको पता हो तो यू नो इसीलिए हमारा जो वेट है पोल पे स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है और इक्वेटर पे डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सेम रीजन. अब हम यू नो दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर फिनिश हो जाए. सो फिर से एफबीडी में जाते हैं, एफबीडी बनाते हैं. इस तरह से ऊपर नॉर्मल था, नीचे कैपिटल जी कैपिटल एम एम बाय आर स्क्वायर था और हमारा एक एक्सेलरेशन था डाउनवर्ड ओमेगा स्क्वायर आर, नॉट डाउनवर्ड इट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब बात करते हैं कि अगर ये वाला फोर्स खत्म हो जाए तो यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर फिनिश हो जाए सो देन यू विल से कि वी विल एक्सपीरियंस वन नॉर्मल फोर्स बाय द सरफेस ऑफ अर्थ एंड वी विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विच इज नॉट द केस. अगर आप ध्यान से इसको देखो तो नॉर्मल फोर्स आता क्यों है, नॉर्मल फोर्स इसीलिए आता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आप अर्थ की सरफेस को पुश करते हो एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ देन ग्राउंड आपको सेम फोर्स से यू नो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ऊपर की तरफ पुश करता है. जितना एक्सेलरेशन आ गया दैट इज फाइन. इस तरह से नॉर्मल लगता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो इतना आ जाए. इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर माइनस नॉर्मल इट शुड बी इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर. सो नॉर्मल का वैल्यू तभी अपने अपने आप को एडजस्ट करता है सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर. सो नॉर्मल एक्चुअली में अपने आप कोई फोर्स नहीं आता, जब आप ग्राउंड को पुश करते हो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटी राइट. ग्रेविटेशनल फोर्स से जब के कारण आप अपने
पैर से अर्थ की सरफेस को पुश करते हो, देन नॉर्मल आता है, राइट? सो अगर ये फोर्स खत्म हो गया तो नॉर्मल अपने आप जीरो हो जाएगा, और नॉर्मल अगर जीरो हो गया सो फिर आपको ओमेगा को देखना पड़ेगा कि ओमेगा पे क्या असर है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर खत्म होता है तो नॉर्मल भी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द मैन इज जीरो, नेट फोर्स तो जीरो है। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। देखो, नेट फोर्स जीरो का मतलब है एक्सेलरेशन तो मिलेगा नहीं इस आदमी को, राइट? कोई एक्सेलरेशन नहीं। बट अब हम रोटेशनल इफेक्ट को कंसिडर करते हैं अर्थ के। अगर अर्थ अभी भी ओमेगा से रोटेट कर रही होगी सो क्या होगा, दिस मैन विल स्टार्ट मूविंग टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लो ये वाला केस को आपको समझना आसान होगा। मान लो आप एक के पास एक स्टोन है, आपने उसे एक थ्रेड से टाई कर दिया और रोटेट कर रहे हो इस तरह से, है ना? हमने एक थ्रेड में स्टोन को बांध दिया एक एंड पे और दूसरे एंड से पकड़ के ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अब हमारा जो टेंशन है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स, राइट? विच इज ओमेगा स्क्वायर आर, यू कैन से, जिस भी ओमेगा से आप रोटेट कर रहे हो। और सडनली आपने ये टेंशन को, ये थ्रेड को काट दिया, टेंशन खत्म हो गई। टेंशन खत्म हो गई तो आपके ये स्टोन क्या करेगा? दिस स्टोन विल स्टार्ट मूविंग टेंजेंशियली, जो भी सर्कल में रोटेट कर रहा था उसके टेंजेंशियली मूव करने लगेगा। तो सेम केस है यहाँ पे, हुआ क्या है, जो आदमी है वो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, उसके कारण अर्थ के साथ रोटेट कर रहा था। अब ये फोर्स खत्म हो गया, राइट? जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हुआ, द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग टेंजेंशियली बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। जैसे यहाँ पे स्टोन टेंजेंशियली मूव करने लगा था, सेम केस है। बट अगर आप कहो कि ओमेगा भी खत्म हो गया, ओमेगा भी खत्म हो गया मीन्स अर्थ ने भी स्टॉप कर दिया रोटेशन, सो अब देखो कोई फोर्स भी नहीं है और कोई एक्सेलरेशन भी नहीं चाहिए, राइट? कोई एक्सेलरेशन भी नहीं चाहिए हमें और कोई फोर्स भी नहीं है, सो इनफैक्ट नेट फोर्स भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो चाहिए। सो इसका मतलब हम जस्ट वहां पे खड़े रहेंगे, कोई वेट नहीं फील होगा हमें। यू आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, नो फोर्स, नो एक्सेलरेशन, एवरीथिंग इज फाइन। सो एक्चुअली में इस केस में आपको ये दोनों इफेक्ट को नेगलेक्ट करना है, दैट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। हाँ, अगर ये कहता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं करो, मीन्स उसे कंसिडर करो, इफ द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड इन दिस क्वेश्चन, देन द आंसर विल बी सी, वी विल स्टार्ट फ्लाइंग अलॉन्ग द टेंजेंट टू द अर्थ सर्फेस। बट अगर हम रोटेशन को भी खत्म कर दें देन वी विल रिमेन स्टैंडिंग। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और वॉन्ट टू डिस्कस फर्दर देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन द टेलीग्राम ग्रुप, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कीप वर्किंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स गाइस, बाय।